हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्विज नंबर 12। इससे पहले हम 11 जो है क्विज कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा, एंड प्लीज़ चेक द वीडियोस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका एग्ज़ाम जब भी हो, एग्ज़ाम से पहले कोशिश करें कि लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको आनी चाहिए, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं। और हमारी इन वीडियोस में ये कोशिश रहती है कि आपको हर तरीके के, हर एक फील्ड के जो करंट अफेयर्स हैं वो सभी के कराए जाएँ। तो अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्विज, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस होने वाली हैं। तो उन 20 क्वेश्चंस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फिल्म हिडन फिगर से प्रसिद्ध हुई नासा की गणितज्ञ का क्या नाम है जिनका 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है जेनिफर ड्वेन, रोजी एल्वर्ड, कैथरीन जॉनसन या बेल्बी नोरा। तो देखिए, हाल ही में अगर किसी मशहूर हस्ती का निधन हुआ हो तो वो एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कैथरीन जॉनसन। देखिए, कैथरीन जॉनसन जो है वो अमेरिका की नासा एजेंसी में काम करती थी, और इन्होंने अपोलो जो 13 एक जो उपग्रह लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा चंद्रमा पर भेजने के लिए, उसके चंद्रमा पर जाने और अंतरिक्ष यात्रियों को वहाँ से वापस लाने की सारी गणनाएँ इन्होंने जो है वो कैलकुलेशन वगैरह जो है वो इन्होंने की थी। तो इनके जीवन पर 2016 में एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई थी, उस हॉलीवुड फिल्म का नाम था द हिडन फिगर्स। तो अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो नाम ध्यान रखिए, कैथरीन जॉनसन। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोप के कारण 7 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, यूसुफ अल अब्दुल रहमीन अल बालूशी, डेविड प्लेसिव मॉड्रिक, कायरो पियरे मेलिसन या कासिम अल बरूनी। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उनका नाम है जिस पे मैच फिक्सिंग के कारण प्रतिबंध लगाया गया है, यूसुफ अब्दुल रहीम अल बालूशी। ये ओमान के जो है क्रिकेट प्लेयर है, और इन्होंने अपने आरोप को जो है वो स्वीकार भी किया है कि हाँ भाई, इन्होंने मैच फिक्सिंग की है। तो अब इन पर जो है वो 7 वर्ष का जो है वो बिल्कुल प्रतिबंध लग गया है, तो ये किसी भी प्रकार का कोई भी मैच नहीं खेल पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश में बाल कुपोषण जो है वो तेजी से घटा है। ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के कारण ये पता लगा है कि बांग्लादेश में जो बाल कुपोषण दर है वो पहले 6 वर्षों से काफ़ी ज़्यादा उसमें गिरावट आई है। तो इस सर्वेक्षण में ये पाया गया था कि जो बच्चों के स्वास्थ्य है, उनका पोषण है, उनकी स्वच्छता है, और उससे भी और भी जो संबंधित मामले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें सुधार किया गया है। तो बांग्लादेश जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार कर रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बांग्लादेश। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई गई। तो किस शहर में इसे स्थापित किया गया है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, वडोदरा, मुंबई, अगरतला, नई दिल्ली। तो देखिए, इसका जो वर्षगांठ मनाई गई है ये मनाई गई है नई दिल्ली में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 25 फरवरी 2019 को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को समर्पित करने के लिए इसको बनाया गया था। देखिए, इसलिए बनाया गया कि ये स्मारक इसलिए बनाए गए हैं, जो भी शहीद हुए हैं उनकी स्मृतियों को याद करने के लिए, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ जो है, ये जो स्मारक है ये बनाया गया है। सॉरी, 25 फरवरी 2020 को इसकी वर्षगांठ बनाई गई थी। ओके, आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारत द्वारा 2022 में किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ऑप्शन है चंडीगढ़, बैंगलोर, पुणे, नई दिल्ली। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर
फर्स्ट चंडीगढ़ में ये जो है आयोजित किए जाएंगे राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप के गेम जो कि 2022 में होने वाले हैं। तो आप सन भी याद रखें क्योंकि कभी कभी क्या होगा ये पूछा भी जा सकता है कि ये कब आयोजित किए जाएंगे, तो 2022 उसका आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन देखिए क्या है, मेलानिया ट्रंप द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया गया था। मेलानिया ट्रंप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं जी, ठीक है, ये तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें अमेरिका की प्रथम महिला कहा जाता है, ठीक है, जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति की जो वाइफ होती है उन्हें प्रथम महिला बोला जाता है। तो उनका उन्होंने कौन सी क्लास देखने के लिए दौरा किया था, पर्सनल क्लास, हैप्पीनेस क्लास, लाफिंग क्लास या योगा क्लास। तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में भी रहा था, आई होप सो इसका आंसर पता होना चाहिए सबको। तो उन्होंने इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार द्वारा जो सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस क्लास शुरू की गई है उन्होंने क्या किया था, और वो दिल्ली की कौन से उसमें गई थी, नानकपुरा के स्कूल में गई थी, उस जगह का नाम है नानकपुरा। वहाँ पे उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की थी, उन्होंने ये देखा था कि भाई बच्चों को किस तरह का करिकुलम जो है वो पढ़ाया जा रहा है, और बच्चों का जो पहला पीरियड होता है यानी जो 40 मिनट्स होती है ना, तो वहाँ पे उनके हैप्पीनेस पे ध्यान दिया जाता है, उनकी खुशी पे ध्यान दिया जाता है, और उसके उपलक्ष्य पर हैप्पीनेस क्लास जो है वो चलाई जा रही है। तो ये वाली बात ध्यान रखें। आइए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, किस देश ने 2003 से नज़रबंद बौद्ध भिक्षु थिंग क्वांग डुक का हाल ही में निधन हो गया है। तो ये किस देश में है, वियतनाम, श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस। तो 2003 से बौद्ध भिक्षु थिंग क्वांग डुक उनका नाम है, तो उन्हें वियतनाम सरकार ने जो है वो नज़रबंद किया हुआ था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेज के छात्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्ना वसाटी दिवेना योजना आरंभ की है। तो बताना है स्टेट का नाम, राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जो डिग्री वगैरह ले रहे हैं, जो गरीब छात्र हैं, उनके लिए ये योजना जो है वो चलाई जा रही है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही है। इसमें क्या होगा, बच्चों को पढ़ाई की पूरी जो फैसिलिटीज़ है वो दी जाएगी, मतलब उन्हें हर तरीके की वित्तीय सहायता दी जाएगी जो भी उनकी फ़ीस वगैरह है। और इसके और भी इसके अगर हम बात करें तो जो उनका कैंटीन का खर्च है, जो उनका हॉस्टल का खर्च है, वो भी पूरा गवर्नमेंट उठाएगी। तो इसमें क्या, इस योजना के तहत कौन कौन से बात करें तो IIT आ जाता है, पॉलीटेक्निक आ जाता है, और जो डिग्री ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो इसमें जो है वो शामिल हैं। तो उनके लिए ये योजना चलाई जा रही, स्पेशली गरीब बच्चों के लिए है ये योजना। नाइन क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में दिल्ली विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। ऑप्शन है राम सिंह बिधूड़ी, अजीत पाल सिंह, केतन चौहान, राम निवास गोयल। तो नाइन क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आम आदमी के वरिष्ठ विधायक हैं तो राम ना जो कि इनका नाम है राम निवास गोयल, इनको अभी दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर चुना गया है, तो आम आदमी पार्टी के हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए टेंथ का क्या है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है विजय सरदाना, अभय कुमार सिंह, अंकुश पाल, नितिन नारायण वर्मा। तो टेंथ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को भी हाल ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो जो हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किए जाते हैं उनको आप सभी ध्यान में रखें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन इलेवेंथ में क्या पूछा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जिस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उस कार्यक्रम का क्या नाम था। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कार्यक्रम में भाग लिया था उसका नाम बताना है, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते इंडिया, हेलो ट्रंप या हाउडी ट्रंप। तो उस कार्यक्रम का जो नाम है वो है नमस्ते ट्रंप। तो ये उस उपलक्ष्य पे रखा गया कि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में गए थे तो वहाँ पर जो नाम रखा गया था, मोदी के आगमन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसका नाम रखा था उन्होंने हाउडी मोदी। तो इसी तरीके से भारत में भी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विजिट किया था तो उस कार्यक्रम का नाम रखा गया नमस्ते ट्रंप।
आइए देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दारा शिकोह की कब्र ढूंढने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 7 सदस्यीय पैनल गठित किया गया है? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब। देखिए जो जो ये दारा शिकोह हैं इनके कब्र ढूंढने के लिए दिल्ली में इस पैनल को जो है वो नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है दिल्ली। अभी तक जो दारा शिकोह है, दारा शिकोह नाम ध्यान रखिएगा, उनकी कब्र अभी तक नहीं मिली है। माना जाता है, ये माना जाता है कि भाई दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसके आसपास ही उन्हें कहीं दफनाया गया था। जो दारा शिकोह हैं वो मुगल सम्राट शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे, बट इनकी कब्र अभी तक नहीं मिल पाई है और इनकी जो हत्या थी वो औरंगजेब द्वारा की गई थी। तो 12th क्वेश्चन का आंसर है सी। 13th क्वेश्चन देखिए, किस देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करने का आह्वान किया गया है? चीन, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया। तो अभी कुछ टाइम पहले ही लासा बुखार का प्रकोप जो है वो पूरे नाइजीरिया पे छा गया था। काफ़ी ज़्यादा गंभीर ये बीमारी थी, काफ़ी ज़्यादा गंभीर बुखार था, 23 राज्यों में ये जो है वो फैल चुका था उस टाइम पे। तो इसका जो आंसर है वो है नाइजीरिया। 14 क्वेश्चन में देखिए, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटेड फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 35, 50, 65, 70। तो जो वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें भारत को 35 वाला स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और ये जो इंटेलिजेंस जारी किया जाता है इस इंडेक्स में किया जाता है, जो छात्र हैं उनके जो स्किल्स हैं उसके आधार पर इसमें रैंक दी जाती है। 15th क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स जारी किया गया जिसमें भारत 131वें नंबर पर है? तो ये भी ध्यान रखें कि ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 131वां है, लेकिन इसे किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? UN, यूनिसेफ, WEF या वर्ल्ड बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनिसेफ के द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसे खुशहाली सूचकांक भी कहते हैं। टोटल 180 देश इसमें शामिल होते हैं और इसे तैयार किया जाता है बच्चों के लालन पालन, उनके स्वास्थ्य के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। पहले नंबर पर इसमें जो है वो नॉर्वे है, तो पहले नंबर का आप ध्यान रखें। भारत जो इसमें 131 नंबर पर है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद भरी बात है। 16 क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 से अधिक मैच खेलने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी बन गया है? तीनों फॉर्मेट का मतलब हो गया टेस्ट, वनडे और T20 में इन्होंने सबसे ज़्यादा मैच खेले अभी तक। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रॉस टेलर या एवी डिविलियर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉस टेलर जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 में 100 से अधिक मैच खेलने वाले ये विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये जो रिकॉर्ड मतलब ये बनाया था उन्होंने, ये 21 फरवरी को जो उन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था उससे ही उनको ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। उन्होंने 100वें नंबर का टेस्ट मैच खेला था। तो 16 का सी ऑप्शन सही है। 17 क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? स्पोर्ट एंड वर्ल्ड यूनाइटेड बाय इमोशन, चेस योर ड्रीम्स या लेट्स डू इट। जो ओलंपिक होंगे इस बार 2020 में वो टोक्यो में होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, और इसमें जो आदर्श वाक्य है इनका वो है यूनाइटेड बाय इमोशन। देखिए इसका मतलब क्या है कि भाई जो खेलों में है ना वो इमोशंस यानी भावना की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, अब चाहे वो किसी भी देश का हो, धर्म का क्यों ना हो। तो ओलंपिक खेल जो आयोजित किए जाते हैं उसमें भावना को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इस बार का जो आदर्श वाक्य है वो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। 18 क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में लिवा मिस डिवा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है? ऑप्शन है आवर्ती चौधरी, नेहा जायसवाल, दीप्ति कुकरेती, एडलिन कैस्टलिनो।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एडलिन कैस्टेलिनो ने हाल ही में लिवा मिस्टिफा यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है। ये मैंगलोर की रहने वाली हैं और पिछले साल ही खिताब वर्तिका सिंह ने जीता था और इस बार इन्होंने वर्तिका सिंह ने ही इन्हें ताज पहनाया है। 19 क्वेश्चन में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। तो इसे किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को समाप्त करने के लिए अभियान चलाया है। महाराष्ट्र में जो थाई मांगुर मछली है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है क्योंकि ये मछली जो है ना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकती है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। आइए देखते हैं आज की क्विज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। मलेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? महातिर मोहम्मद, नजीब रजाक, अतातुर्क बिलायक, फरजान अली। तो 20 क्वेश्चन का देखिए आंसर है मतादिर मोहम्मद। मतादिर मोहम्मद जो है ये इन्होंने हाल ही में जो है वो अभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। मलेशिया के हैं ये और इनकी जो उम्र थी ये 94 ईयर की थी और 10 मई 2018 को ही ये पीएम बने थे। अभी इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था लेकिन इन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। रोज करंट अफेयर्स की हम इसी तरीके से सीरीज चलाते रहेंगे, आप पढ़ें करंट अफेयर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।